नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिलीवरी ट्रे इंस्ट्रूमेंट लेकर आई हूँ। डिलीवरी जब हम लोग कराते हैं क्लाइंट का, तो कौन कौन सा ट्रे में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसके बारे में बताना चाह रही हूँ। तो इसके अंदर, डिलीवरी ट्रे के अंदर टू स्पंज होल्डर होना चाहिए। इस टाइप के स्पंज होल्डर होते हैं, ये टू होना चाहिए। इससे क्या करते हैं कि कॉर्ड को हम लोग क्लैंप करते हैं, बोथ साइड क्लैंपिंग के बाद हम क्या करेंगे, सीजर से कट करेंगे। इसके लिए मुझे एक सीजर चाहिए, या तो हम स्ट्रेट सीजर ले सकते हैं, अदर कॉर्ड क्लैंप सीजर भी होता है, वो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, आर्टरी फोर्सेप्स रहेगा हमारे ट्रे में, टू आर्टरी फोर्सेप्स, एक सिम्स स्पैकुलम से जो वेजाइनल एरिया है उसको हम अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। ये इसके लिए मुझे एक सिम्स स्पैकुलम की आवश्यकता होगी। एक बॉबल होना चाहिए हमारे ट्रे में, कुछ भी गॉज कॉटन रखने के लिए। उसके बाद जब हम यूज्ड गॉज कॉटन या कोई भी चीज़ों को डिस्कट करने के लिए मुझे एक किडनी ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिलीवरी ट्रे के अंदर टोटल 8 इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जिसमें से 2 स्पंज होल्डर, 2 आर्टरी फोर्सेप्स, 1 सीजर और 1 सिम्स स्पेकुलम, फिर एक बॉबल और एक किडनी ट्रे।